उत्तर प्रदेश के बांदा में 20 जुलाई को होने वाले बृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम को 100% सफल बनाने के लिए आज कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी नगेंद्र प्रताप की अध्यक्षता में जिला वृक्षारोपण समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने सभी जिला स्तरीय अधिकारियों एवं खंड विकास अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप वृक्षारोपण कराए जाने हेतु सभी तैयारी समय से पूरी कर ली जाए। जिलाधिकारी बांदा ने सभी विभागों को 100% गड्ढों की खुदाई, पौध की उपलब्धता व उठान कराए जाने तथा वृक्षारोपण के पश्चात हरितिमा ऐप को डाउनलोड कर उसमें वृक्षारोपण की फोटो सहित जियो टैग 100% कराए जाने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि ग्राम पंचायत व नगर विकास के अनुसार वृक्षारोपण किए जाने की सूचना संकलित कर DSTO को भेजी जाएगी। उन्होंने कहा कि वृक्षारोपण 20 जुलाई 2024 को प्रातः 6 बजे से शाम 6 बजे तक जनपद के विभिन्न निर्धारित स्थलों में प्रभारी मंत्री व जनप्रतिनिधियों तथा नोडल अधिकारी सहित अन्य अधिकारियों द्वारा किया जाएगा। जिला वृक्षारोपण समिति की बैठक आज बुलाई गई थी, क्योंकि आप सब अवगत हैं कि 20 जुलाई तक माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर पूरे प्रदेश में 36,50,00,000 पौध का रोपण किया जाना है। तत्क्रम में जनपद बांदा में 67,00,000 पौध का रोपण किया जाना सुनिश्चित हुआ है। और उसी संदर्भ में जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में जो जिला वृक्षारोपण समिति के अध्यक्ष हैं उन्हीं की अध्यक्षता में समस्त नोडल अधिकारियों की बैठक बुलाई गई थी, और जो ताकि ये इसका सुनिश्चित किया जा सके कि जो उनको लक्ष्य दिया गया है उस लक्ष्य के अनुरूप उन्होंने क्या क्या कार्रवाई की है पौधरोपण। अगर बात देखें कि पिछले कई वर्षों से लाखों करोड़ पौधे हर साल लगाए जाते हैं, लेकिन उनमें ज़्यादातर पौधे बच नहीं पा रहे हैं, तो इस बार क्या आपकी तरफ से ऐसा रहेगा कि पौधों को कैसे बचाया जाए? नहीं, इस बार जो है स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि जिस विभाग, विगत वर्ष भी यही निर्देश थे, जो विभाग अपने लक्ष्य के अनुसार पौध रोपित करेंगे उनकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी है उन पौध की निराई गुड़ाई सिंचाई और सुरक्षा की, और उसके बाद थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग की भी व्यवस्था की जा रही है। और उसमें अगर किसी विभाग के द्वारा जो है पौधों का नष्ट होना पाया गया या कोई और दिक्कत पाई गई तो संबंधित विभाग की जो है जिम्मेदारी फिक्स की जाएगी। और इसमें एक चीज़ और अवगत कराना चाहूँगा कि पौधरोपण के बाद इस बार जो है जो नारा दिया गया है पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ, तो पेड़ बचाओ पखवाड़ा पेड़ लगाने के बाद हम बेहद तौर पर पेड़ बचाओ पखवाड़ा भी आरंभ करेंगे, जिसके तहत जो है हम हर नोडल अधिकारियों के साथ रोपण स्थलों पर जहां पौधे रोपित किए गए हैं उनके साथ विभाग के कर्मचारियों के साथ वन विभाग के कर्मचारी संयुक्त रूप से वहां जाकर जो है पौधों की वस्तुतः स्थिति के बारे में संज्ञान लेंगे, और जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में एक समिति का गठन कराकर भी जो है उसका अंतर विभागीय उसका सत्यापन कराया जाएगा कि किस तरह से हम पूरा प्रयास करेंगे कि जो भी हमने पौध लगाए हैं वो, चूँकि पर्यावरण असंतुलन की स्थिति जो भयावह पैदा हो रही है, उन पौधों को बचाकर हम इस असंतुलन को संतुलित करते हुए बांदा जनपद को हरा भरा कर सकें। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।